विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। आपको बता दें कि जनपद रामपुर की शहर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सपा से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान सीतापुर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा से आकाश सक्सेना। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से नूर महल से नवाब कासिम अली खान उर्फ नवेद में आए हैं। तो अब की बार जनता क्या सोचकर वोट करेगी, किसको विधायक बनाना चाहती है और सरकार किसकी बनना चाहिए, लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे अब की बार किसको। ये बताइए कि अब की बार क्या सोचकर आप वोट करेंगे और सरकार किसकी बनना चाहिए। देखिए, मैं व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सरकार जो भी हो वो व्यापारी की फ्रेंडली सरकार होनी चाहिए। व्यापारी के लिए इसमें सारा व्यापारी को सुरक्षा मिले और संसाधन मिले और बिजली मिले और लाइट मिले और सड़क मिले, ऐसी सरकार हम जो है ऐसी सरकार के लिए हम वोट करेंगे। तो आप क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोट हमारा एक पूरी तरीके से उस पार्टी को जाना चाहिए, उस शख्स को जाना चाहिए जिसने शहर के लिए कुछ किया हो। और ये शहर बहुत कदीमी शहर है, हमारे बुज़ुर्गों का बनाया हुआ शहर है, गंगा जमनी तहजीब का शहर है। और यहाँ की सकाफत, यहाँ की तहजीब, यहाँ का तमद्दुन और यहाँ के अखलाकियात सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और जब तक यहाँ नवाबियत थी, वो उसूलों पर चले, उनकी नवाबियत चली, लेकिन जब वो उन उसूलों से हटे जो आवाम के लिए खातिर ख्वाह उन्होंने काम नहीं किया, तो वो जवाल पिजीर हुए। और जो आवाम है, गयूर आवाम रामपुर की, वो होशमंद आवाम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। आम तौर से लोग ये कहते हैं कि ठेला रेड़ा की और बीड़ी मज़दूर की एक कम्युनिटी ज़्यादा है रामपुर में। मैं इसको नहीं मानता। एक हुनरमंद लोग हैं, आज शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग सड़कों पे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। और जो एक प्लम्बर है, एक बढ़ई है, नाई है, धोबी है, मैं खुद एक उसी श्रेणी में आता हूँ। मैं कोई अपने आप को बड़ा नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन हम लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पी लेते हैं। लेकिन जिन्होंने करोड़ों रुपए दे के अपने बच्चों को पढ़ाया है, आज वो बिल्कुल असहाय नज़र आते हैं। ये कि तमाम सांसद आज़म खान पर आरोप लगे कि उन्होंने भैंस चोरी की, बकरी चोरी की, तमाम सारे यहाँ के लोगों ने आरोप लगाए कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर लोगों की ज़मीनें कब्जा ली, फिर उन पर सरकार ने मुकदमे किए, अब वो सीतापुर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये सब चीज़ों को कहाँ देखते हैं और कितना क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इस पर ये कहूँगा कि आज़म खान ने शहर का विकास करा पूरी तरह से। मैं भी एक व्यापारी समाज से हूँ, हमारे भी कारोबार पीछे हटे। इस बीच में जो सरकार रही, हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज़म खान ने बहुत कुछ कहा। आज ये सड़कें और जो कुछ भी है, ये सब आज़म खान की वजह से है। बताइए कि जो आज़म खान पे तमाम सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों को किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये सारे आरोप जो हैं गलत हैं। हमें देखिए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए विकास। मगर समाजवादी में विकास हुए, मैं बेरोज़गार हूँ और शिक्षक हूँ। मैं एम कॉम कर रहा हूँ मगर मैं किसी दुकान पे काम कर रही हूँ 6,000 रुपये तनख्वाह पे। मगर जब समाजवादी की सरकार थी तो मेरा बेरोज़गारी भत्ता आता था, 2,000 रुपये महीना मिलता था, मुझे फ़ायदा मिलता था, 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए थे। मगर मैं क्या कहते हैं खुश था। मगर समाजवादी सरकार में काम हुए, मैं बेरोज़गार होने के बाद भी मुझे पैसे मिलते थे, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, मगर मुझे फ़ायदा हुआ समाजवादी सरकार में। मेरा बेरोज़गारी भत्ता जो आता था अकाउंट में आता था, वो मुझे फ़ायदा मिला। मगर आज़म खान ने सारे काम कराए, सब कुछ कराया, मगर उनके टाइम में सारा विकास उन्हीं के टाइम में हुआ है। राम बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, समाजवादी सरकार में ही सारे काम हुए, अखिलेश यादव ने सारे काम करे उन्होंने। बताइए कि नवाब कासिम अली खान, वो भी कांग्रेस से आपके बीच आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं आप? देखिए, वो तो एक दल बदलू छवि के इंसान हैं। उनका जो माजी है, जो बैकग्राउंड है, वो दल बदलू है। और आज़म खान ने जिस दिन से समाजवाद को अपनाया है और वो एक उसके समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता हैं और उन्होंने बुनियादें डाली हैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ, और अखिलेश यादव जी उनका सम्मान करते हैं, और यकीनन ये पार्टी जो है ऊपर है रामपुर के एतबार से। अगर आप एनालिसिस करेंगे ईमानदारी से, तो काजिम अली खान साहब अभी तीसरे और चौथे नंबर के लिए लड़ रहे हैं मेरे हिसाब से। चलिए, ये हम तमाम सारे लोगों की रामपुर की अलग अलग ओपिनियन थी। आपसे ही जानना चाहेंगे कि भाजपा से आकाश सक्सेना हैं, वो कह रहे हैं कि आज़म खान ने तमाम सारे जुल्म किए, हमने जनता को उसका निजात दिलाया
और वही कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो आज़म खान जेल से तो बाहर निकल ही नहीं सकते और लोगों की हमेशा मैं मदद करूंगा, तो आप क्या कहेंगे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि यहाँ देश को कहा जाता है कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चुड़ियाँ गिरती हैं, बसेरा वो भारत देश है मेरा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यहाँ पर अमन चैन भाईचारा लौट कर आ जाए, खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाएगी, सारे मसाइल खुद हल हो जाएंगे, नफरत की राजनीति खत्म हो जाए, प्यार मोहब्बत का राज हो। मैं यहीं पर ही अपनी बारी को आराम करता हूँ, इसी में सब कुछ संक्षेप में अपनी बात करना चाहता हूँ। बीजेपी ने कहा हमें सबका साथ सबका विकास किया, हमेशा से सबको लेकर चले, मोहब्बत अमन चैन भाईचारे का होना चाहिए देश के अंदर। ये देश जब ही बनेगा, ठीक है ना, जब यहाँ पर सारे रंग होंगे, प्यार मोहब्बत अमन चैन भाईचारे की बात होगी, देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। वो मुल्क वही परिवार कोई तरक्की नहीं कर सकता जिसमें विवाद होगा, जहाँ पर विवाद खत्म हो जाएगा वो ऑटोमेटिक तरक्की करेगा, सारे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। यहाँ पर नफरत की नहीं, प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए, सब कुछ सारे काम हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसकी सरकार होनी चाहिए अब। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ठीक है, बहरहाल जो भी सरकार हो वो ऐसी सरकार हो जिसमें प्रेम अमन भाईचारे का पैगाम हो उसके अंदर, इस मुल्क के इस देश के मसाइल ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। नफरत की राजनीति नहीं, प्यार मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, सारे मिनोरिटीज़ का भी होता है और मेजोरिटी का भी होता है, ऐसा नहीं किसी विशेष समुदाय का वो नहीं होता है वो, ठीक है ना। वो ओद लेता है इस बात की, संविधान के ऊपर इस वक्त की शपथ लेता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो इसलिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई भी देश का कोई भी नेता होता है, वो सबका होता है, ठीक है। मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। रामपुर शहर के विधानसभा क्षेत्र के तमाम सारे लोगों के हमने ओपिनियन ली थी, अभी सरकार किसकी बनती है, कौन विधायक बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रामपुर से ज़िशान खान।